एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष को फ्यूज बल्बों वाली झालर बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का खेल अब खत्म हो गया है, वे अब विपक्ष वाली पटकथा लिख रही हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ममता बनर्जी द्वारा फूके हुए बल्बों की झालर अर्थात विपक्ष को लिखी चिट्ठी ने यह बता दिया है कि बंगाल में खेला खत्म, संन्यास की तैयारी है और ममता जी ने विपक्ष की भूमिका वाली पटकथा को लिखना प्रारंभ कर दिया है। अधिक संख्या में मतदान करें पश्चिम बंगाल में, ये प्रार्थना आपके माध्यम से कि नंदीग्राम में सहित जिन सीटों पर आज मतदान है पश्चिम बंगाल में, अधिक से अधिक लोगों का। वैसे तो नंदीग्राम में कल उन्हें चिट्ठी लिख के बता दिया कि खेला खत्म है, संन्यास की तैयारी है, फूके हुए बल्बों की झालर को चिट्ठी लिख दी, ये इस बात की द्योतक है कि माननीय ममता बनर्जी ने विपक्ष की भूमिका की पटकथा लिखना प्रारंभ कर दी है। ये पट स्क्रिप्ट जो है विपक्ष की भूमिका अब तलाशने लगी है दीदी, इसलिए लगभग लगभग तय हो गया अब चिट्ठी लिखे जो हमारी न्यायिक एजेंसियां हैं चुनाव आयोग या दूसरे, उन पे आरोप लगाएं और 2 मई को ईवीएम पे आरोप लगाएं, ये भी तय पटकथा है उनकी। सब कुछ लगभग तय है पश्चिम बंगाल का। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड वेग मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, अमित शाह जी के, नड्डा जी के, और जीतने वाले। उन्होंने कहा, कमलनाथ जी केवल चुनावी पर्यटन करने आते हैं, वे लोगों के दुख और सुख में कभी नहीं आते। जाके पैर ना फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले किसानों का दर्द भला क्या जानेंगे। यदि किसानों का दर्द जानना होता है तो सचमुच में 2 लाख का कर्ज माफ किया होता, 2-4 हजार का कर्ज माफ कर अपने सर पर कर्ज माफी का सेहरा बांधते। आप खुद ही देखिए ना, 3 दिन के बाद वहां तो किसान कोई है ही नहीं, उद्योगपति हैं उसी दर्जे के बाकी हैं, तो इसलिए किसान का दर्द वो क्या जाने। सोने का चम्मच मुंह में पैदा होने वाले लोग, जाके पायना फटी बिमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अगर पीर जानते होते तो 10 दिन में 2 लाख एक हाथ का तो माफ किया होता। राष्ट्रीय अध्यक्ष से असत्य बुलवा दिया, झूठ बुलवा दिया, खुद ने वल्लभ भवन पे दस्तखत करके कह दिया कि माफ कर दिए सारे, 2-2, 4-4 हजार माफ करके सेहरा बांधने लगे। ये क्या किसान का दर्द जानेंगे जो कभी ओले पे खेत पे नहीं गए, पाला पे खेत में नहीं गए। कमलनाथ जी सिर्फ चुनावी पर्यटन को आते हैं, जैसे चैतुआ आता है ना चैत काटने, ऐसे बोटों की फसल करने आते हैं, दुख और सुख में कभी नहीं आते। मिश्रा ने कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। वैक्सीनेशन आपको आत्मबल, संबल और निश्चिंतता प्रदान करता है। आज से प्रदेश में 45 प्लस वालों का वैक्सीनेशन प्रारंभ किया गया है। सभी से विनम्र अनुरोध है कि अपना वैक्सीनेशन करवाएं। हमने पहले से ही कहा था कि दवाई भी कड़ाई भी। 45 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 45 साल से ऊपर की ये दवाई प्रारंभ हुई है कोरोना वैक्सीन। मेरी प्रार्थना है प्रदेशवासियों से, आज लगभग 40,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। अधिक से अधिक संख्या में जाएं और उसका वैक्सीन लगा के लाभ लें। जिस तरह से कोरोना आया है उसमें वैक्सीन आपको आत्मबल भी देगा, संबल भी देगा और निश्चिंतता भी देगा। अब दवाई ही उपाय है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।